दोस्तों फ्लिपकार्ट की सेल में अभी काफी सारे स्मार्टफोन पे हमें बहुत ज्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। काफी सारे स्मार्टफोन्स पे हमें डायरेक्टली कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा है, 5 से 5.5 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ स्मार्टफोन पे डायरेक्ट प्राइस है, कुछ स्मार्टफोन पे एक्सचेंज का बोनस है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर एक नया फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको एक काफी अच्छा गेमिंग 5G स्मार्टफोन लेना है और आप रियलमी का पर्टिकुलरली फोन आपको लेना है, तो रियलमी का जो नया स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम रियलमी 13 Plus 5G है, वो आपको 10,000 से भी नीचे की प्राइस पॉइंट पर फ्लिपकार्ट की सेल में डायरेक्टली मिल रहा है बिना किसी कार्ड यूज किए। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसे कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा, इसका सारा ऑफर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सारी चीजें वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। सेल में काफी सारी डील्स हमें काफी अच्छी मिल रही है, तो उसका भी जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर कि आप अच्छी डील्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में, तो ये जो सेल है भी फिलहाल फ्लिपकार्ट पे लाइव है। इसमें अगर आप रियलमी का 13 प्लस 5G स्मार्टफोन देखेंगे जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें फ्रंट के साइड में आपको एक फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डिजाइन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है विद सेंटर पंचो डिस्प्ले डिजाइन। रियर के साइड में आपको यहां पर सर्कुलर शेप वाली जो कैमरा डिजाइनिंग है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें स्मार्टफोन के और भी डिटेल्स के बारे में, इसमें मीडियाटेक का लेटेस्ट 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300। ये गेमिंग प्रोसेसर है। आपको यहां पर 80 वाट का चार्जर इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। आपको इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की ओलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 सेंसर भी देखने को मिल जाता है। रियलमी 13 प्लस 5G के बारे में बात करें कि इस स्मार्टफोन पे क्या कुछ ऑफर्स हैं और ये स्मार्टफोन आपको अभी कितने का मिल रहा है, तो अगर आप इस स्मार्टफोन की डायरेक्ट प्राइस को देखेंगे तो ये स्मार्टफोन डायरेक्टली 22,999 की प्राइस पर आपको मिल रहा है। और अगर आप यहां पर किसी भी बैंक का कार्ड यूज करते हैं तो आपको यहां पर कार्ड पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहां पर कोई भी कार्ड यूज आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपके पास में कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप कैसे इस स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदेंगे? तो उसके लिए सिंपली आपको एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप इस स्मार्टफोन के एक्सचेंज बोनस को देखेंगे तो इस पे 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। यानी अगर आपके स्मार्टफोन की वैल्यू 3,000 रुपए भी है तो 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि आप कहेंगे कि आपका 3,000 रुपए वाला जो स्मार्टफोन है वो उसका 8,000 रुपए आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छा टाइम है रियलमी का 13 प्लस 5G स्मार्टफोन लेने के लिए। अगर मैं किसी पुराने स्मार्टफोन को भी एक्सचेंज करता हूं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, जो कि अगर मैं Redmi Note 8 को एक्सचेंज करके दिखाता हूं आपको, तो यहां पर उस फोन का मिल रहा है 3,000 रुपए और यहां पर एक्सचेंज बोनस जो है वो मिल रहा है डायरेक्टली 5,000 रुपए। तो 8,000-8,500 रुपए डायरेक्टली एक इतने पुराने फोन का मिल रहा है। तो ये एक काफी अच्छा मौका है कोई भी पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने का। और अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ा और कंडीशन में हुआ, थोड़ा और महंगा हुआ, मतलब 15-20 हजार का फोन है, तो ऐसे में यार इस स्मार्टफोन पे आपको काफी अच्छा बेहतर डिस्काउंट मिलेगा और एक्सचेंज बोनस के साथ में अगर आप खरीदेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको 7,000-8,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर भी डायरेक्टली मिल सकता है। तो आप जाकर के रियलमी का ये जो 13 प्लस 5G स्मार्टफोन उसे ले सकते हैं और एक्सचेंज बोनस ऐसा कभी कभी ही मिलता है किसी किसी मॉडल पे। अभी ये जो एक्सचेंज बोनस है वो करेंटली रियलमी 13 प्लस पे चल रहा है, तो इतना अच्छा टाइम मिस मत करना, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हालांकि ये थी एक छोटी सी डिटेल, बाकी आपका क्या ओपिनियन है एक्सचेंज बोनस के बारे में, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।